सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा के दूसरे चरण में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रयास संस्था के माध्यम से अपने लोकसभा क्षेत्र की प्रथम अनारक्षित विधानसभा क्षेत्र में भी सांसद स्वास्थ्य सेवा का शुभारंभ कर दिया। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के लम्बलू में हुए एक समारोह में सांसद अनुराग ठाकुर ने इस विधानसभा क्षेत्र के लिए नई वैन लैब को समर्पित की। इससे पहले हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 4 आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में इस तरह की शुरुआत की गई है तथा इसमें 12,000 से अधिक लोगों की मुफ्त टेस्ट कर उनकी रिपोर्ट सौंप दी गई है। इस अवसर पर विधायक नरेंद्र ठाकुर भी उपस्थित रहे। इस मौके पर हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर ने 4 विधानसभा क्षेत्रों की 190 से अधिक पंचायतों में 11,500 से अधिक ओपीडी करने के उपरांत सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की शुरुआत हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से की है। उन्होंने कहा कि नई बैन में ईसीजी, आंखों के टेस्ट, ब्रेस्ट कैंसर जांच सहित विभिन्न 40 बीमारियों के टेस्ट की सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की 6 और गाड़ियां जोड़ी जाएंगी तथा 31 दिसंबर तक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 1,00,000 से अधिक लोगों की स्वास्थ्य जाँच करेंगे, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। 4 विधानसभा क्षेत्रों में 190 से ज़्यादा पंचायतों में 11,500 से ज़्यादा ओपीडीज करने के बाद अब सांसद मोबाइल स्वास्थ्य सेवा की एक नई शुरुआत हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र से आज हमने की है और नई गाड़ी के साथ की है, नए मॉडल के साथ की है, नई सुविधाओं के साथ की है, जिसमें ईसीजी की सुविधा भी होगी, आंखों की जांच की सुविधा भी होगी, 40 तरह और टेस्ट की सुविधा भी होगी और ब्रेस्ट कैंसर की जांच की सुविधा भी होगी। ये प्रारंभिक जांच की सुविधाएं हम ग्रामीण क्षेत्र में इसलिए भी करवा कर दे रहे हैं कि गांव के लोगों को पैसा खर्च और समय बर्बाद करके बड़े अस्पताल में ना जाना पड़े, उनकी प्रारंभिक जांच और उपचार उनके अपने ही गाँव घर द्वार में हो जाए। बहुत सफल ये कार्यक्रम चला है। ये 4थी गाड़ी हमने जोड़ी है, इसके बाद 6 और गाड़ियां जोड़कर कुल 10 गाड़ियां हो जाएंगी, जिससे पूरे संसदीय क्षेत्र में 31 दिसंबर 2018 तक हम 1,00,000 से ज़्यादा लोगों की जांच और उपचार करके देंगे, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड होगा।